गाइस मैं हूं विक्रम राठौर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप कि आप सही होंगे। तो गाइस आज मेरे सामने है भाई हैरियर की भाई प्योर वेरिएंट प्योर प्लस एस। मैं आपको दिखा दूं भाई प्योर प्लस एस है ये, और भाई ये डार्क एडिशन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये कलर। मैं सबसे ज़्यादा देखो धूप में बना रहा हूँ वीडियोज़, ताकि आपको डार्क कलर भाई एकदम चमके और एकदम मस्त चमके और भी वीडियोज़ बढ़िया और आप फील ले सकें इस वीडियो का। तो भाई वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हो तो भाई, और पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि इस गाड़ी के फीचर्स आपको पता लग सके कौन से कितने कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। तो भाई ये है हमारे पास डार्क एडिशन, और आप सबसे पहले तो मैं इसका पूरा बैकग्राउंड दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हो इसका कितना ही चमक रहा है, मस्त चमक रहा है एकदम मस्त। देखो इसके जो एलॉय है, एलॉय की भाई डिज़ाइन जो है एकदम मस्त लग रही है। एंड पीछे के लुक पर आते हो तो भाई पीछे का लुक देख सकते हो इसका कितना बढ़िया चमक रहा है। भाई एक बात बताऊँ तो मुझे जो ना ये गाड़ी जो ना मेरी फेवरेट बन चुकी है, वो खास करके डार्क एडिशन में मेरी फेवरेट बन चुकी है। तो भाई आप चलते हैं इसके, और भाई इसके जो फीचर्स हैं ना आगे का जो लुक है वो भी देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ चाबी, भाई के पास चाबी है तो भाई से मैं चाबी लेता हूँ। इसके करते हैं सबसे पहले हम DRL ऑन और इसके इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले मैं चाबी की बात कर लेता हूँ। तो कीज़ आपको इस तरह की मिल जाती है, दो आपको कीज़ मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक और आपका बूट और एक लाइट का, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसको ऑन करके गाड़ी के अंदर, और इसके करते हैं हम ऑन और DRL भी इसके ऑन करते हैं। टच करते ही भाई ये ऑन हो जाती है। तो ये देखो तो कुछ इस तरह का मिल जाता है भाई आगे का लुक आपको। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टाटा के लोगो से ही। तो टाटा का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है, डार्क एडिशन में आपको ये लोगो भी मिलेगा। वहीं आप देख सकते हो इसकी कुछ आपको ग्रिल आपको इस तरह की मिल जाती है, वो भी डार्क एडिशन, वो भी डार्क में ही। और ये भी आपको पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना भाई ब्लैक जेड, तो भाई ये पूरी गाड़ी आपकी ब्लैक जेड है एक तरह से, भाई ब्लैक जेड है भाई। आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। आप देख सकते हो इसके इंडिकेटर्स, ये आपके इंडिकेटर्स हो गए हैं, और इसी के साथ साथ आपको पूरा वहाँ से लेकर के आपके इस साइड आपको कनेक्टेड आपको DRL मिल जाते हैं। अगर आप इंडिकेटर के यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको ये भी आपको DRL नहीं मिलेगा, DRL आपके कनेक्टेड चलते रहेंगे। वहीं इस साइड आप देखते हो तो यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मेंशन करने के लिए मिल जाती है। देन आते हैं इस साइड तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है इस साइड आपको। ये नीचे का वेरिएंट प्योर प्लस एस है, इसमें आपको ये नहीं मिलेगी, ये जो आपकी लाइट होती है ना टॉप वेरिएंट पे चले जाओ तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी इसमें। वहीं आप देखते हो तो यहाँ पर आपको सेंसर भी नहीं मिलेगा वो। तब आते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो साइड प्रोफाइल देखते हैं कुछ इस तरह का है। थोड़ा धूप में थोड़ा मैनेज करना है क्योंकि धूप में ही ज़्यादातर ब्लैक कलर चमकता है, इसलिए मैं धूप में ही आपको ये गाड़ी बना की वीडियोस बना रहा हूँ। थोड़ा इससे दिक्कत आ रही है ना गाड़ी में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो आते हैं इसके टायर प्रोफाइल पर, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको एलॉय मिल जाता है। एलॉय मुझे यार बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा इसका, 5 मिनट के साथ आपको एलॉय मिल जाता है, बीच में आपको टाटा का लोगो ही मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो R17 17 इंचेस आपको टायर प्रोफाइल मिल जाती है, अच्छा खासा मिल जाता है। ऊपर ग्रेंट में आओगे तो 18 और 19 तक आपको पहुँच जाता है ये वेरियंट से। वहीं आप साइड में देखते हैं क्रोम की गार्निश वगैरह कुछ नहीं मिलती है, आफ्टर मार्केट आपको लगवाना पता है, एसेसरीज का आपका पार्ट मिल जाता है। देन यहाँ पर देखते हो वॉल पेपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे आपको कोई कैमरा वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। डार्क एडिशन की आप डार्क की आपको बैजिंग मिल जाती है। अब आते हैं इस पर डोर पर, तो आप देख सकते हो इस पर आपको सेंसर बटन आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम कीज के लिए जो एंट्री होती है इसकी, आपकी बाई चांस अगर बैटरी लो हो जाती है इसकी तो आप की निकाल करके आपके यहाँ से यूज कर सकते हैं। वहीं अगर ये रूफ रेल्स आपको मिल जाती है एंड ऊपर आपको सनरूफ वगैरह मिल जाता है। वहीं आते हैं इसके पीछे, तो पीछे का लुक कुछ इस तरह का मिल जाता है। वहीं ऊपर से बात करते हैं तो शार्पनेस एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर आपका ये हो गया, वाइपर आपका ये हो गया, डिफोगर इसमें नहीं मिलेंगे आपको। वहीं अगर टाटा का लोगो, नीचे आपको कैमरा मिल जाता है, यहाँ पर आप नंबर प्लेट मेंशन कर सकते हैं, हैरियर की बैजिंग आपको मिल जाती है, यहाँ आपके दो सेंसर मिल जाते हैं। वहीं अगर टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के आपकी ये कनेक्टेड आपको टेल लाइट आपको मिल जाती है, टेल लाइट। वहीं आपको इसके नीचे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, ये जेड टाइप का आपको टेल लाइट मिल जाती है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। वहीं चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं इसके ये टोटो टोटो बज रहा है ना, टच करते ही इसको बंद कर देता हूँ, इसकी लाइट को बंद कर देता हूँ।
तो बात कर लेते डोर पर आपको क्या मिल जाता है। ये देख रहे हो आप, ये कुछ आपकी प्लास्टिक वगैरह नहीं है, ये सॉफ्ट टच भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब हाँ सॉफ्ट टच ही मिल जाता है ज़्यादा, कपड़ा टाइप का मस्त लगता है ये भी। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो की फिनिशिंग मिल जाती है, ये आपका प्लास्टिक है, चारों पावर कंट्रोल विंडो मिल जाती है, लॉक एंड लॉक। ये आपको, ये भी आपको डार्क में ही मिलेगी, डोर हैंडल भी आपको डार्क में ही मिलेगा। यहाँ पर आपका स्पीकर हो गया, या बोतल होल्डर हो गया, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। देन वॉरवे में सेट करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आप सेट कर सकते हैं। भाई आते हैं अगर सीट एडजस्ट करने के लिए, भाई सीट एडजस्ट आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, ये देख रहे हो। तो सीट आपको ये मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, आगे पीछे भी आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं इसके अंदर और अंदर का फील लेते हैं इसके बैठ करके। भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे आ चुका है बहुत ज़्यादा पसीना, तो क्या ही कहूँ भाई पसीने की यार, गर्मी तो हो रही है और आपको वीडियो तो दिखानी है, कंटेंट तो आपके लिए बनाना ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके, सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। थोड़ा करता हूँ सीट को पीछे, तो मैंने ये ऑन कर दिया और सबसे पहले मैं तो इसकी एसी बंद करता हूँ। इसकी कर दी मैंने एसी बंद। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इसकी स्टीयरिंग से बात करता हूँ। तो स्टीयरिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, लेदर में आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, लेदर टाइप का स्टीयरिंग है आपका ये। वहीं मुझे ये एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी टाटा की, मुझे एक चीज़ में से क्या बढ़िया लगी, सबसे ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा भाई ये टाटा का जो लोगो है ना, डिजिटल डिस्प्ले के साथ आपको टाटा का लोगो दे दिया गया है। भाई आप इस साइड देखो, ये आपको बटन से दिए गए हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड भी आपको कुछ कंट्रोल्स आपको इस साइड भी मिल जाते हैं। देन आपको मिल जाता है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का, जो बहुत बढ़िया लगता है। इस साइड आपको वाइपर के कंट्रोल्स, इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल्स, आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं आपको, ये आपके गियर्स मिल जाते हैं। देन पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ मिल जाता है, ये एसी वेंट्स आपका ये हो गया, ये बड़ा सा आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया स्क्रीन है भाई टच स्क्रीन, मैं तो बताऊँ ना इसमें कोई लैग वैग वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्त आपको मिलता है। कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आती, मस्त एकदम चलता है ये। देन अगर यहाँ पर बात करूँ तो ब्लैक पियानो की फिनिशिंग आपको यहाँ से ही मिल जाती है पूरी। मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो भाई सबसे ज़्यादा इसमें ब्लैक पियानो की फिनिशिंग सबसे ज़्यादा है। अब वहीं बात कर लेते हैं भाई, ये जो देख रहे हो ना आप, सबको टच करते ही आप जिसको भी टच करोगे ना वो आपका ऑन हो जाएगा, जिसको टच करोगे आप बंद होगा, जो भी आपको बंद करना है ऑन ऑफ करना है टच करके ही होगा, कोई यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं है मिला होगा आपको, टच करते ही होगा। भाई अगर नीचे बात करें तो वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाता है, एक यूएसबी का, एक 45 वाट का आपको सॉकेट मिल जाता है। देन आपको ये तीन मोड्स मिल जाते हैं आपको, ये आप क्या हो गया गियर सिस्टम, ऑटोमेटिक, रिवर्स, न्यूट्रल, या पार्किंग मैंने खड़ी कर रखी तो पार्किंग का भी चला हुआ है, और ड्राइव मोड ये आपको मिल जाते हैं। ये क्यों तेज होगी भाई, कम हो, ऑटोमेटिक हो गया था, दब गया था, बोला था ना मैंने टच होते ही भाई ये बढ़ जाती है, तो ये भाई टच हो गया थोड़ा सा ही और भाई ऑटोमेटिक पर टच हो गया, ये अपने आप ऑटोमेटिक ठंडा बंडा करने लगी। कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको हैंड ब्रेक, ये देख रहे हो इस तरह का मिलता है आपको हैंड ब्रेक, दो का फोल्डर मिल जाते हैं। आमरस में देखते हैं तो आमरस भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, और एक यूएसबी और एक टाइप सी और एक 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है आपको इसमें भी। भैया ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको, लेकिन आपको एक कोल्ड आपको नहीं मिलेगा। ये भैया आप देख सकते हो यहाँ लेदर की आपकी फिनिशिंग हो रही है, ये देख रहे हो यहाँ आपकी वुडन की फिनिशिंग है, मस्त एकदम। और बॉन्ट आप पूरा देख सकते हो यहाँ से, बॉन्ट आपको पूरा दिखता रहेगा। एसयूवी गाड़ी का ना एक यही पहचान है कि बॉन्ट आपको पूरे गाड़ी आपको दिखती रहती है। वहीं सनी बाजार के पास आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, बंद करते हैं इसको। सनग्लास होल्डर इसमें नहीं है, सनरूफ आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ये देख रहे हो पैनोरमिक सनरूफ है, पूरा ऑन हो जाएगा। और अब करते हैं इसको बंद, पहले तो भाई रुकेगा, मैंने रोक दिया ऐसा, अब मैं बंद करता हूँ इसको।
ये देख रहे हो मस्त है यार, सनरूफ भी इसका मस्त है। इस साइड भी आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिलेगा, ग्रेवेंटल इस साइड मिल जाता है, इस साइड आपको ग्रेवेंटल नहीं मिलेगा। देन आप चलते हैं इसके पीछे और पीछे का देखते हैं भाई क्या लोग। सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ, ये मैंने बंद किया, चलते हैं इसके पीछे। तो जैसे आगे इसमें आगे डोर पर था, वैसे आपको पीछे भी आपको डोर पर मिल जाता है, सेम वही मिल जाता है। इसके पीछे बैठते हैं, कितना स्पेस है कितना नहीं है। तो भाई स्पेस तो यार मुझे भरपूर मिलता है इस गाड़ी में यार। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं इसकी और इतनी सारी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, मुझे स्पेस के मामले में मुझे गाड़ी भाई बहुत बढ़िया लगी। ये देख रहे हो स्पेस, फुल स्पेस मिल जाता है। आगे साइड में जब बैठा था वो तो एकदम मस्त तरीके से बैठा था, फुल एकदम बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा बहुत फोन वोन रखने, छोटा सा सामान रखने के लिए एक टाइप सी, एक आपको यूएसबी मिल जाता है। देन आपको बीच में आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा इसमें। देन आपको तीन सीट आपको मिल जाती हैं, तीन लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन बीच में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है एडजस्ट करने के लिए। ये दोनों आपको एड्रेस एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है आगे के भी। तो कुछ इस तरह का दिखता है आपको हैरियर का इंटीरियर। देन मुझे स्पेस इस गाड़ी में बहुत बढ़िया लगा। आप चलते हैं इसके पीछे और पीछे का आप देखते हैं इसका बूट स्पेस कितना है बूट। और अगर इसमें एक बात करूँ ना, एसी वेंट जो मिलते हैं ना आपको यहाँ पर बीच में नहीं मिलते हैं, आपको इस पिलर पे मिलते हैं साइड में। ये एसी वेंट आपको यहाँ मिल जाते हैं दोनों साइड ही, आपको स्पीकर और आपको दोनों साइड ही आपको एक स्पीकर ही मिल जाते हैं यहाँ पर भी। इसमें आपको कर्टन, इस वेरियंट में आपको कर्टन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। इसका खोलते हैं बूट। तो कुछ इस तरह का स्पेस मिल जाता है भाई। बूट स्पेस की बारे में बात करें तो बूट स्पेस तो इसमें बहुत बढ़िया मिल जाता है। ये देख रहे हो आराम से चार पांच बैग आराम से इसमें रख सकते हो। यहाँ पर आपको स्पीकर नहीं मिलेगा। देन आपको यहाँ पर इसमें लाइट भी नहीं मिलेगी, चार्जिंग सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा इसमें। नीचे के साइड आपको ऐसा ही है, यहाँ पर आपको ये बटन भी नहीं मिलेगा इस बारे में। तो आपको ये हाँ सही ऐसी बंद करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह की थी हमारी टाटा की हैरियर डार्क एडिशन प्योर प्लस एस वेरिएंट आपका ये। और भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी आप लोगों को, और भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।